नमस्कार जोहार मर्देन्दु शेखर खास कथार खास अतिथि होती आज प्रकाश मिश्र श्रीयुक्त मिश्र को समस्ते जानते आपन को मो कार्यक्रम को स्वागत आपन पूर्वतन पुलिस डीजी थरे लोकसभा निर्वाचन भी लड़ी सारी बीजेपी टिकेट वर्तमान प्रसंग हूँ सर जे अर्चना नाग मामला को लेकिन ईडी तदंत ए राज्य में जारी रही अनेक लोक ईडी समन करुच्ची जेरा करुच्ची जदिओ ईडी सहित पुलिस कौन सी संपर्क नहीं कहुए तथापि भी आप जानते ईडी तदंत आरंभ है धामनगर उपनिर्वाचन समय वर्तमान पद्मपुर बाई इलेक्शन चली समय ईडी जहाँकि एक केंद्रीय संस्था डाकिकी यही सेक्सटर्सन एक्सटर्सन मामलें जो मैंने भी सामिल अच्छा जो मैंने भिक्टीम अच्छा पचराउचरा कर यार टाइमिंगटा मानने बीजेपी नेता हिसाब से मुझे पचारूनि ईडी तदंतर टाइमिंगटा को आपत देखुं जहाँ पूर्वतन पुलिस डी जी हिसाब से आपको एनसर चाहिए अर्धेन्द्र बाबू देखो मुझक प्रथम अवगत करेबी ईडी संस्था टी कौन ईडी को कहते एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आपण जानते आम गोटे आईन पास करते जोटा को कहते पीएमएलए आक्ट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट मनी लॉन्डरिंग एक्ट रे जो प्रोविजन अच्छी से जो मनी लॉन्डरिंग पोर्शनटा से केवल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ही तार तदंत करें तेणुक अच्छी जेकोसी जगह देशर जेकोसी जगह जेकोसी पुलिस हो सीबीआई हो कस्टम्स हो जी जो प्रकार हो केते गुड़े आईन अनुसार बा सेक्शन अनुसार धर केस करेंगे रजिस्टर है से थ्रु धर ईडी जानवाक पाइब जे ये मनी लॉन्डरिंग संप्रुक्ति थे से केस्टर मनी लॉन्डरिंग पोर्शनटा से माने इन्वेस्टिगेट करेंगे तेणुक तदंत राज्य पुलिस भी करी परिबो सीबीआई भी करी परिबो ता छड़ा साइमल्टेनियसली ये जो मनी लॉन्डरिंग आस्पेक्ट को सेटा को करिबो ईडी करिबो यही जो आपण जो केस विषय कहले अर्चना नाग विषय से भावी जो प्रथम केस टी होता है चीटिंग ये चीटिंग रजिस्टर कराला चीटिंग हूँ ये जो लिस्ट मुझे कहली आपको तार अंतर्भुक्त तेणुक से जो चीटिंग केस टी कला जना पड़ा जो बहुत लोक अनेक पैसा कारबार से पैसा कौट आसला तेणुक मनी लॉन्डरिंग आंगल आसला मनी लॉन्डरिंग आंगल जो आसला ईडी संप्रुक्ति आसला तेणुक ए लोक भाविया कथा नुहे इलेक्शन ईडी आसला कि ये नुहे तेणुक देखो आप जड़े लोक कि तार इनकम नाला हठात एत बड़ बड़ प्रसाद या बिलासपूर्ण गाड़ी चढ़ा तेणुक अनेक पैसार संप्रत अच्छी जो मैंने पैसा देखते कौटू आने कौन कले तेणुक मनी लॉन्डरिंग जो संभव है पारे से ही तदंत ईडी कर विषय जो मैंने इनवल्व से डाक पचराउचरा कर सुत मिश्र यहाँ तो जो घटना टी घटला जो तदंत चली बर्तमान से राताराति जाए सेटा अनेक दिन है चलू से भाया कथा तो आपणकर मानते मुझे कहे स्टेट पुलिस कथा स्टेट पुलिस इंटेलिजेंस कौन एत पुअर जे से जापार ना कम्प्लेन भी आसपारा ना देखो ये मो स्टेट पुलिस को जानी पाखे केवे अभोग कितु आपण धर क्या द्वारा ब्लाकमेलिंग ईर शिकार है तेणुक पुलिस ता विषय जानवर कौन सी ये ना धर से पब्लिक डोमेन को ना एवं केस रे आपण देखुं जो किए जो फिल्म मेकर ना किए से प्रथम जो पुलिस पाक आसे से ब्लाकमेल करी पैसा आदाय करुच्चर पुलिस संप्रुक्ति आरंभ है तेणुक मुझुनि कह ठीक हम जो पुलिस जाणीशुणी ये विषय किसी कर ना पुलिस पाखे केवे आसिक कम्प्लेन पहुँचला से केस आरंभ कर आगुरी आसचे कि ना मुझे जानी किंतु कहवा अनुसार जो दिन कम्प्लेन पाइले स्टेट पुलिस ओन इंटेलिजेंस किसी मेकानिजम न था कि इंटेलिजेंस कौन इंटेलिजेंस देखो इंटेलिजेंस मत हूँ आप गोटे प्रिवेंटेबल ऑफेंस को धर बंद करेंगे गोटे टेरर अटैक है कि अन्य कुछ है इंटेलिजेंस रोल थाए
जो इंडिविजुअल लोकंर ईरे कौन क्या किए पैसा नौ कौन कर प्रकार इंटेलिजेंस पुलिस जाणिले तथा मत लगुच पुलिस रो जो लार्जर परव्यू भितर आसवा कथा एनवे तो बर्तमान जो ईडी तदनटी चली तो यहाँ हम कौन एक्चुअली आगे नहीं ये आप देखते धर कोटि कोटि टंकार संप्रति अच्छी जना पड़ी तेणुक से टाँग कौटू आसला से कह टा को से विषय तदंत करेंगे से जो बाबू मैंने एत पैसा दे से बुझे आगे जाए पैसा तर कौ प्रकार बिजनेस आने कौटू आने कैश रे कमी दे कि चेक रे दे जहाँ कले से विषय से बुझे से तेणुक आप भावि जे ईडी इन्वेस्टिगेशन करवा द्वारा भावे आमर जो समस्त गोटे मन में था बड़ बड़ मैंने खसी जी भावी ता निश्चित भाव आम रोक पारा जी भी संपुक्त थाउ ना ना तार राजनैतिक धर कि जोर भी थाए ये ईडी पाखे तार से चलन एवं मुझे जे ईडी ये केस टी मनी लॉन्डरिंग जो विषय इन्वेस्टिगेशन आरंभ कर अत्यंत युक्तियुक्त देखो ये जो अर्चना नायक मामला टी ए प्राय तीन प्रमुख दल ओडिशा जो अच्छा कांग्रेस बीजेपी और बीजेडी तार किसी नेता संप्रुक्ति थी अभियोग होता चर्चा भी होता विभिन्न फोटो भी सामना को सेत आसला एवं तो जड़े बीजेडी विधायक को भाई को डाक क्वेश्चन ईडी कर्तृपक्ष कले तो आप कहते ये ईडी तदंत कर बड़ बड़ी आज खसी पारे ना कौन ना कम आप देखते से अर्चना नायक जी तालिकाभुक्त जी से कहटू का पैसा पाई से मैंने समस्त को जेरा कर तेणुक जिते जेरा कर सठिक तार उत्तर न दे पारे पैसा कौटू आने काठू आने धर आईनगत भाव में पैसा आने की खर्च करे तो किसी नई पारे कितु मु भावी ये एत प्रकार एत मात्रा रे पैसा कारबार होता के आईनगत भाव आनी ना एवं तेणुक ये समस्त संप्रति विषय तदंत हो सीतु मिश्र आप पूर्व पुलिस डीजी भाव में कार्य कर सारी ओडिशा रो जो सेक्सटर्सन भाया मामला साधारणतः तो अलग राज्य में नॉर्दर्न स्टेट साउदर्न स्टेट देखा मिलूला चर्चा को आसूला ओडिशा रे प्रायतः एमती जिनसा को आसू ना आप भाँच पैसा रोजगार कर गोटे नुआ ट्रेंड स्टार्ट हो जाए ना आप समय भी एमती आई लुचा छपा चलूला देखो आम सोसाइटी जो डी जेनेशन आरंभ हो खूब द्रुत गति में चली मुझे आम जो साधारण जीवन रे आमे जी के नैतिकता अवलंबन करवा कथा ताकू लोक धीरे धीरे भूलिबा आरंभ कले जो मैंने भाया दुष्कर्म बातरे सब लिप्त रोचा से मानू समाज मुझे आउ निंदा भी करूनी कि किसी हीन चक्षुर देखुनी कारण समस्त सब गोटे उदासीनता मड़गला जहाँ भावी आम समाज पक्ष अत्यंत दुर्भाग्यजनक राजनैतिक स्तर में बध्य लोक मैंने भल पाँच ये लोक तेणुक यो अवगति आम देखा पाचे भाव गोटे बड़ चर्चा दरकार जे समाज सुधार आम चाहूँ ना आम यो डी जेनेशन प्रोसेसटा को आहरी त्वरान्वित करवा से विषय लोक को आम चुप बस सही चर्चा भाई जोर आरंभ होवार आवश्यकता अच्छा पुणी थे मुझे ईडी पाख को फेरुची जे मनी लॉन्ड्रिंग पार्टा तो ईडी तदंत करुची बाकी क्रिमिनल एक्टिविटीज अन्य जिन स्टेट पुलिस तदंत कर दुटा जो केस साइमल्टेनियसली चलो साइमल्टेनियसली चलो ना भितर इंटरेस्ट क्लास हुए ना ना किसी इंटरेस्ट क्लास हम जो राज्य पुलिस पाखे जो केस टी अच्छे से चार सौ कोड़े जो कौ दफा तक लगी से चार्जसीट करेंगे एविडेन्स पाइले आएपीएमएलए जो स्वतंत्र कोर्ट अच्छी से ईडी तार मामला दायर कर आपण को लगुच आउ किए किए जदि आप ना नापी न चाहतु बर कौ भाया लोक कौ स्तर लोक राजनेता हूँ बिजनेसमैन हूँ अफिसर हूँ कौ भाया लोक संपृक्त थी पारे लगुच ये कथा आपको ये पचार पुलिस
ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ତ ସବୁ ପବ୍ଲିକ୍ ନଲେଜ୍କୁ ଆସିଛି କିଏ କିଏ ସବୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ସବୁ ବାହାରୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ତେଣୁକରି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଧର ଏଇଭଳିଆ ଦୁଷ୍କର୍ମକୁ ରୋକିବା ଲାଗି ଗୋଟିଏ ପ୍ରୟାସ ନ କରିବା ଏବଂ ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ମାନେ କେବଳ ଏତିକି ସେକ୍ସଟର୍ସନ୍ କଥା ମୁଁ କହୁନି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କିଏ ବିଭିନ୍ନ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧର ଆମେ ନିନ୍ଦା ନ କରିବା ସମାଜ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ସନା ନ କରିବ ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଦୁର୍ଦିନ ଆମକୁ ଆହୁରି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ଆସିବି, ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦୁଇ ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲେ ପଦ୍ମପୁରକୁ, ସେଠି ଜଣେ କାହାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଘରକୁ ଯାଇକି ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ, ସେଠି ଜଣେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ଲୋକ କହିକି ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲେ ବା ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପୋଲିସରେ କେସ୍ ଫେସ୍ ହେଇଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ, ତ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଏମିତି ଥାଏ କି କିଛି ନିୟମ ଆପଣଙ୍କର ବା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥାଏ କି? ଏମିତି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ କେବେ ଗୋଟେ ଓଭରଟଲି ଯାଇକି ଲୋକ ଯାଇକରି ବୁଲିକିରି ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଆଗରେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ ହୁଏନି। ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହୁ, ତାକୁ ଉଚିତ ଭାବରେ କରିବା କଥା। ତେଣୁକରି ଇଏ କିଏ କରୁଥିଲା କ'ଣ କରୁଥିଲା ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କହିକିରି ଏଇଭଳିଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇକିରି ଫଟୋ ଉଠାଉଥିବ ତାଙ୍କର ଆଇଡି କାର୍ଡ଼ଟି ବରାମଦ ହେଇଥିଲା ସେ ମୁଁ କହୁଛି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଲୋକ ହେଇକିରି ଏଇଭଳିଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଫଟୋ ଉଠାଇବ କି କାହାକୁ ପଚରା ଉଚରା କରିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଦୌ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଯେ ଏଇ ସରକାର ସେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଟୁ କାଉଣ୍ଟର ପଲିଟିକାଲ ଓପୋନେଣ୍ଟ? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ନହେଲେ ସେ କାହିଁ ସେଠିକି ଯିବାର ତ କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ। ଏମିତି ସେମାନେ ତ କିଛି ଦାଗି ବା ଏମିତି ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି ଯିଏ ଯାଇ ସେଠି ବୁଲୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ନଜର ରଖିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ଚାପ ପଡ଼ିଥିବ ଯେ ଯାଇ ବୁଝ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଲାଗି ଖବର ଦିଆହେଇଥିବ। ଆଣ୍ଡ ଇଏ ଲୋକଟି ବିଚାରା ହୁଏତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇନଥିବ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କାମରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଧରା ପଡ଼ିଲା। ତମର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଆଗକୁ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କ'ଣ ହେବ? ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତିରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଆମର ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଫୋର୍ସାଇଟ୍ ଯେ ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ନେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମଶୈଳୀ ସେଥିପାଇଁ ସେଥିପ୍ରତି ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଏବଂ ମୁଁ ବିଜେପିର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଅଛି ଏବଂ ହୁଏତ ମୁଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏତେ ଯାଇପାରୁନି କାରଣ, କିନ୍ତୁ ବିଜେପିର ଯେଉଁ ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ସ ଅଛି ଯେଉଁ ଇଏ ଅଛି ସେଥିପ୍ରତି ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭାବୁଛି ଅଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଦେଖାଯିବ କ'ଣ ହେବ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିବେ ତ ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିବି ନ ଲଢ଼ିବି ସେସବୁ ପାର୍ଟି ଉପରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଦଳ ତାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ, ତେଣୁକରି ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିବି ଯେ ମୁଁ ପାର୍ଟିର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ପାର୍ଟିର ଆମର ଯେଉଁ ଲିଡର୍ସମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ। ଧନ୍ୟବାଦ ସହିତ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମକୁ ସମୟ ଆପଣ ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର, ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ନିଜର ମତାମତ ମଧ୍ୟ ରଖିବେ।